स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में अतिशय शिक्षक समाजन को लेकर चल रही अटकलें और इसी को लेकर अपडेट। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई है कि आपत्तियों का समाधान किए बिना ही निकाल दिए गए हैं आदेश। ऐसे में अतिशय शिक्षक जो लगभग हैं 37,000, उनके समायोजन पर विवाद है। संगठन ने कहा कि विभाग ने फिर गलती की है कि विभिन्न नियमों को जो है नए निर्देश जो जारी किए गए उनमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं किए गए हैं। तो शिक्षक संगठनों की कई मांग है कि उनको भी इसमें लागू किया जाए तो सही प्रकार से समायोजन हो पाएगा। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि शिक्षक संगठन क्या मांग कर रहे हैं और उनके क्या सुझाव है। जैसा कि आपको बता दें तो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें 30/4/15 का हवाला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है समायोजन होगा। तो शिक्षक संगठन यही चाहता है कि शिक्षकों का समायोजन तो हो लेकिन सही प्रकार से हो और सही तरीके से हो। विभिन्न प्रकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, वो भी अहम है समायोजन के लिए, ताकि शिक्षक जो वर्ग है उनका हित हो सके और समायोजन में किसी के साथ गलत ना हो। तो दिशा निर्देश के अनुसार जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए हैं वहाँ स्टाफिंग पैटर्न 30/4/15 के तहत पद स्वीकृत मानकर समायोजन किया जाना है, जैसा कि अकॉर्डिंग है दिशा निर्देश हैं। स्टाफिंग पैटर्न अनुसार नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 वर्ष बाद छात्र संख्या 80 होने पर अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता पद माने जाने हैं। दिशा निर्देश में यह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात करें तो स्टाफिंग पैटर्न जो समायोजन हो रहा है उसमें 30/4/15 में कक्षा 1 से 5 के लिए 60 से अधिक प्रत्येक 30 छात्र पर एक अध्यापक लेवल 1 का प्रावधान है और नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी में 2 पद ही सर्जित है, वहाँ 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अध्यापक L1 का पद मानकर समायोजन करना है। यहाँ 2 पद स्वीकृत अनुसार यह स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट किया जाए। इसके साथ स्टाफिंग पैटर्न 30/4/15 में सभी संकाय की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शारीरिक शिक्षक का पद निर्धारित है। कई उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत स्कूलों में शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं है, ऐसे वहाँ पद स्वीकृत नहीं मानकर वहाँ के शारीरिक शिक्षक को समायोजन के स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक संघ की मांग है कि जो समायोजन हो रहा है उसमें जो स्टाफिंग पैटर्न है 30/4/2015 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 में 1 से 50 से अधिक छात्र होने पर एक हेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक का पद का प्रावधान है। हेड टीचर में 50% पद जो है वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए आवंटित होते हैं। इसमें अस्पष्टता में यह है कि अस्पष्टता में हेड टीचर का पद नहीं मानकर वहाँ से वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक को अधिशेष माना जा रहा है। सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कला संकाय खोलने से भी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक जो है सामाजिक विषय के वो अधिशेष हो रहे हैं। बात करें तो महात्मा गांधी को लेकर अपडेट्स की, उनकी मांग है कि महात्मा गांधी विद्यालय में 2022 में इंटरव्यू से चयनित कार्यरत शिक्षकों के पदों को तो अधिशेष कर संविधान भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत करने के नियम की भी विसंगति को दूर किया जाए। तो महात्मा गांधी विद्यालय को लेकर भी अपडेट है कि इंटरव्यू से जो चयनित हुए उनके शिक्षक के पदों को तो अधिशेष किया जा रहा है जबकि संविधान भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत रहने के नियम माना जा रहा है, तो ये विसंगति इसको भी दूर किया जाए। तो इस प्रकार के सामान्यकरण को लेकर ये उठापटक है और ये समस्याएं हैं। सामान्यकरण को लेकर कुछ अपडेट्स होने चाहिए ताकि सही तरीके से ये समायोजन हो। तो शिक्षा विभाग ने फिर जो अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के आदेश जारी किए हैं, पहले भी जारी किए थे, उनको खारिज किया गया था लेकिन अब फिर वापस जारी किया गया है। तो शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। संगठनों का तर्क है कि विभाग इन शिक्षकों का समायोजन करने के लिए सुझाव और आपत्तियां जो मांगी थी लेकिन जारी आदेशों में आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया, यानी वे सुझाव शामिल किया जाए जो शिक्षक संगठनों ने बताए हैं। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है और संगठन की ओर से आग्रह किया है कि 37,000 से अधिक शिक्षकों का समायोजन किया जाए ताकि इन मूल पद और उनकी एसीबी आदि की समस्याओं से भी निजात मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि शाला दर्पण पर स्थित जो विषय के स्वीकृत पद है उसके अनुसार ही अधिशेषों का समायोजन किया जाए, जबकि विभाग 2015 के सामान्यकरण नियम से अधिशेष का समायोजन करना चाहता है। यह समायोजन 2021 के नियमानुसार ही होना चाहिए। संगठन के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने भी बताया कि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के नियमों से नई विसंगतियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये समायोजन को लेकर अपडेट है कि 2015 के नियमों के अकॉर्डिंग समायोजन होगा जैसा कि विभाग के नियम निर्देश है, और जबकि शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2021 नए नियमों के अनुसार होना चाहिए समायोजन, और जिससे किसी प्रकार के शिक्षकों की कोई दिक्कत न रहे, समायोजन सही प्रकार से हो।